हमारी यूथ इंडिया से ज़्यादा पावरफुल है। मिसाल के तौर पे भी तो सोचना पड़ रहा है, बढ़ रहा है ना, लेकिन नहीं वैसे चलो मैं अभी 20 की एज में इन्होंने अपनी कंपनी बना दी है, स्टार्टअप बना दिए सिर्फ इंडिया में। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा फ्यूचर सिक्योरिटी इंडिया में? इंडिया में। आप क्या समझते हैं? इंडिया में। सही है। आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर फ्यूचर ज़्यादा महफूज है यंगस्टर का, यूथ का, या पाकिस्तान के अंदर? इंडिया के अंदर सिक्योर है या पाकिस्तान के अंदर यूथ का फ्यूचर? इंडिया के अंदर सिक्योर है। सही है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा महफूज है या इंडिया के अंदर? हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा बेहतर। अभी की बात करो, हो जाएगा नहीं, आप एक बात बेहतर है अभी। सही है। आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर ज़्यादा? हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं अभी, नहीं, इंडिया बहुत आगे निकल गया, चांद पे पहुंच गया, अभी हम यहाँ तक गटर के ढक्कन तक ही है। गटर के ढक्कन तक नहीं है, गटर के अंदर लोग जाके मर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए अभी MQM पाकिस्तान का बिल्कुल साथ दे रहे हैं और फ्यूचर इंशाल्लाह नौजवानों का इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा फ्यूचर महफूज है या इंडिया के अंदर यंगस्टर का, यूथ का? इंडिया के अंदर। सही है। इंडिया के IT सेक्टर के अंदर आपको पता है वहाँ से निकल के YouTube जिस पे अभी वीडियो जाएगी उसका CEO इंडियंस है। नहीं मालूम। आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन के अंदर, यूथ की फैसिलिटी के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंट किस वजह से? आगे एक टाइम था पाकिस्तान बहुत आगे था, इंडिया से मैच हार रहे थे यहाँ से पीछे। सही है। हमारी यूथ इंडिया से ज़्यादा पावरफुल है। किस लिहाज से, कैसे पावरफुल? भाई कोई भी टैलेंट ले लें आप, ठीक है, क्या टैलेंट मिसाल के तौर पे बताएं? मिसाल के तौर पे भी तो सोचना पड़ रहा है, बढ़ रहा है ना, लेकिन नहीं वैसे अलहमदिल्ला पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी टैलेंट जिस तरह आपने देखे, मेरी बात जिस तरह ला रहे हैं, उनको TV पर दिखाया नहीं जा रहा। यूथ का फ्यूचर पाकिस्तान में है, अगर ये लोग चाहें उसको अपॉर्चुनिटी दें तो यूथ को, अगर आप इनको अपॉर्चुनिटी देंगे तो आप क्या समझते हैं इंडिया क्या कुछ भी चीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया के अंदर ज़्यादा पाकिस्तान के इंडिया के अंदर। बस मैं यही पूछना चाह रहा था ना, लेकिन डिफाइन भी करना है ना, तो हमारे हुक्मरान जो चाहें तो हम उनसे आगे निकल सकते हैं ना यार, अगर वो हमारे हुक्मरान चाहें तो। जो दुनिया काम ख़त्म कर देती है पाकिस्तान में वो काम शुरू होता है। IT हम देखें यहाँ पे जितने नौजवान बैठे हुए हैं इनमें से 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि IT का फुल फॉर्म क्या है। 90% IT दुनिया में ख़त्म होगा, ये IT का काम दुनिया में नहीं रहा। या अभी जो यहाँ पे या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बात करें, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये छोटे छोटे कोर्स, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हो गया, ब्लॉकचेन का हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, लेकिन ये वही 100 साल पुराने दौर को वापस ला रहे हैं पाकिस्तान में। IT दुनिया में क्रिप्टो आज भी पाकिस्तान में बैंड है। क्यों बैंड है? बदकिस्मती यही तो है ना। क्रिप्टो आज रिसेंटली क्रिप्टो चल रहा है, ऑनलाइन डिजिटल पे क्रिप्टो चल रहा है, लेकिन जो IT ख़त्म हो गया है, जिसको देखो चूरन बेच रहा है कि IT से क्या कर रहे हैं मेरे। आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर यूथ का फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर है या पाकिस्तान के अंदर सिक्योर है? हम बिल्कुल पाकिस्तानी हैं, लेकिन सच को सच बोलना, सच बोलें। बिल्कुल। इंडिया में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है, पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं दी जाती। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर यूथ का फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर है या इंडिया के अंदर? पाकिस्तान में बचा क्या? पाकिस्तान में अगर आपको देखा जाए ना, अगर पाकिस्तान में अगर पढ़ाई के उससे पाकिस्तान में फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। क्या सपोर्ट मिलती है? मुझे आपको क्या सपोर्ट मिली अभी ना? आप माशाल्लाह देख लें, यहाँ से हर पार्टी सपोर्ट दे रही है हमें। यहाँ पे MQM ने बहुत बड़ी सपोर्ट दी है यूथ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अभी तक क्या सपोर्ट मिली है? हमें पढ़ाई के हवाले से बहुत सपोर्ट मिली है। क्या सपोर्ट मिली है भैया? प्रैक्टिकल उसमें आपने देखा ना, काफ़ी बच्चों को रोका गया, मार्कशीटों में इसमें फेल किया गया, बोर्ड के पेपरों में, इंटर में, मैट्रिक में MQM ने केस किया। साथ दे रहे तो हम क्यों सिक्योर नहीं होंगे? हमारी पढ़ाई बहुत सिक्योर हो रही है पाकिस्तान में, हम अपने पाकिस्तान को क्यों डिग्रेड करें? आप मुझे इस बात का जवाब दें। सही है। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा बेहतर है फ्यूचर यूथ का, और इधर मतलब माशाल्लाह हर चीज़ हमें प्रोवाइड है और सारी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे। क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर $4 बिलियन एक्सपोर्ट है IT की, इंडिया के अंदर $150 बिलियन सिर्फ IT की एक्सपोर्ट है। $150 बिलियन, तो कहाँ पे यूथ को ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है? इंडिया में मिली है ना। फिर तो अगर देखा जाए इस नज़रिए से तो इंडिया में ज़्यादा फैसिलिटी मिली है, लेकिन पाकिस्तान में और भी चीज़ें बहुत सारी हैं। पेपाल पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं, उन्हें पेमेंट लेने के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। ऐसा ही। तो फिर आप मतलब क्या समझते हैं, इंडिया ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान? यार मैं यही कहूँगा, प्रैक्टिकल। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी तो बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। रियलिटी अगर देखी जाए तो आपने भी बताया, कुछ हमने भी देखा है, तो इंडिया बेटर है। लेकिन अभी हम पाकिस्तान से गद्दारी तो कर नहीं सकते ना। तो ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान के अंदर जो छोटी से छोटी चीज़ होती है वो भी इतनी हाईलाइट करके बताई जाती है और बाहर ममालिक में इनको छुपाया जाता है, इस वजह से कि हमारे मुल्क की बदनामी ना हो। लेकिन यहाँ पे एक को किसी को सुई भी लग जाएगी ना तो वो भी इतना हाईलाइट कर देंगे कि नहीं हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसा होता नहीं है। ये बताएं, आपने बताया कि इंडिया बोले चांद पे पहुंच गया, अब वो चांद पे पहुंच गया वो हमें ये बता रहा है, तो दुनिया चांद पे पहुंच रही है और हम गटर में गिरे हुए लोगों को उठा रहे हैं। तो आपको समझे ये बात कि हम बता क्या रहे हैं और हमें बताना क्या चाहिए। पाकिस्तान की जो तरक्याती काम है वो तो बताए नहीं, तरक्याती काम हो नहीं रहे ना, क्या बताएं आप मुझे बताएं। आप मुझे बताएं ऐसे क्या काम है जो बताने चाहिए। चलो मैं अभी बताता हूँ, मुझे भी हज़ारों लोग देखते हैं, क्या काम है बताएं आप। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि दो बड़े लेवल पे बताएं, छोटे मोटी नहीं यार, बड़े नेशनल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे बताएं। पाकिस्तान लेवल पे यही बता सकता हूँ क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ एरिया की नहीं ना, पड़ा पाकिस्तान की बात कर। महमूदाबाद में जितना पानी होता है निकालने के लिए पता नहीं कितने कितने दिन लग जाते हैं। आपने वो देखा हुआ है, रेंजर्स हेडक्वार्टर देखा हुआ है, बंदा डूब जाता है। हाँ होता है, मानते हो इस चीज़ को, तो वो कहाँ से बोल रहे हो आप तरक्की आती काम। तो वहाँ तो हमारी जो हमारा बना है वो तो बता रहे ना, डूबा हुआ होता है PCHS। तो फिर अभी तो हम तो अपनी देखिए आप यहीं पे फंस गया, आप कह रहे महमूदाबाद के अंदर पूरे पाकिस्तान गैस नहीं आती है, खाना कैसे पकाएंगे, खाएंगे क्या। पानी बिजली गैस मेन चीज़ है ना यार, जब वही चीज़ें नहीं है उसके बाद तालीम का निज़ाम, तालीम का निज़ाम आपके क्या क्या महमूदाबाद में तालीम का निज़ाम। एज अ एंटरप्रेन्योर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आपको हाई अप लें। शार्क टैंक देखे आपने, शार्क टैंक इन्वेस्टमेंट कितनी देखा है, मैंने देखा है। मैं खुद एक जो है पाकिस्तान के अंदर एक बिज़नेस लॉन्च कर रहा हूँ, मैं AS Light Solution का ओनर हूँ, ये मेरी कंपनी है। सही है, मैंने क्या काम करती है आपकी कंपनी, क्या करती है। हमारी कंपनी एज अ MEPEPC कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, जो सिविल एंड कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है उसमें हमारी फायर फाइटिंग की जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इंडिया भाई, इंडिया के अंदर ज़्यादा फ्यूचर सिक्योर है ना। बिल्कुल, अभी इंडिया के अंदर अगर कोई यूथ यूनिक बिजनेस आइडिया लेके आती है, कोई स्टार्टअप लेके आती है, शार्ट टाइम के अंदर जाते हैं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट उसे मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर कहीं है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही नहीं है। वो मुंह से सब बोल देंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी भी इन लोगों ने इतनी वोटिंग ली है, हमें को टोकन दिए कि आपकी कुरान दादी में निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं निकलना। यहाँ पे आके भी आपका आधे से आधा टाइम वेस्ट ही होना है। स्टार्टअप के मालिक हैं और माशाल्लाह इतनी कम उम्र है, आपकी उम्र क्या है। मेरी एज है तकरीबन 20 की एज में इन्होंने अपनी कंपनी बना दी है, स्टार्टअप बना दिया, इन्होंने अपना कार्ड दिखाया। और ऐसी यूथ जब होगी, इस तरह के हज़ारों लाखों जब यंगस्टर निकलेंगे तब पाकिस्तान का कुछ बनेगा। और सिर्फ निकलने से कुछ नहीं बनेगा, इस तरह के यंगस्टर को प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट, हर तरह का बेहतरीन इन्वायरमेंट मिलेगा तो फिर ही कुछ बनेगा। नहीं तो ये मुल्क जिस तरह डूब रहे तो इसी तरह डूबता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में युवाओं के लिए नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ गई है कि युवा वर्ग में निराशा फैल रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उद्योग बंद हो रहे हैं और सरकारी नीतियों की कमी ने रोजगार के अवसरों को लगभग खत्म कर दिया है। क्या आप सोच सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने वादे तो बहुत किए लेकिन रोजगार के नए अवसरों का सृजन नहीं हो पाया और इसका परिणाम युवा विदेश जाने या छोटी मोटी नौकरियों में काम करने को मजबूर हो रहे हैं। ये हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई युवा आत्मनिर्भर बनने के बजाय बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और इससे सामाजिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं। दोस्तों, इस संकट से निपटने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना होगा और शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। क्या आप भी यही मानते हैं? तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते रहें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।